नमस्कार डॉक्टर ध्रुव, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है। आज हम बात करेंगे नथिंग इज परफेक्ट। वी आर इन एन एरा ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है। किसी भी चीज़ से, किसी भी सिस्टम से इन दिनों में, इन महीनों में 100% परफेक्शन मांगना या एक्सपेक्ट करना गलत होगा। मान लो हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी अस्पताल, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन इन दिनों में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम कोरोना वायरस को पूरी तरह से जानते ही नहीं है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट के पेशेंट 100% फुल्ली रिकवर हो जाएगा। ऐसी कोई भी सारवार नहीं है जो पेशेंट को मिरेक्युलसली इम्प्रूव कर दे। सो डोंट एक्सपेक्ट 100% परफेक्शन फॉर ट्रीटमेंट। सेम वे जो भी अस्पताल कोविड की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो जनरल अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, वो सब अटेंडेंट्स, हेल्थ वर्कर्स, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सब ये पहली बार इसका सामना कर रहे हैं। सबके लिए टीथिंग प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि हर जगह से 100% आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सारवार मिले, ये शुरू के दिनों में पॉसिबल नहीं होता है। सो छोटे बड़े प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी होंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या हेल्थ सिस्टम, वो तो अपनी ताकत से 200 गुना परिश्रम कर रहे हैं। जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 200 गुना, 3 times, 4 times एफर्ट्स दे आर मेकिंग। सो देर आर गोइंग टू बी स्मॉल प्रॉब्लम्स, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम गवर्नमेंट पे छोड़ रहे हैं, इसलिए हो रहा है। सो इट इज़ टाइम टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें भी कुछ करना है, और हमें भी जो कुछ करना है उसमें सबसे पहली चीज़ है थोड़ी बहुत टॉलरेंस डेवलप करनी है। अगर हमें ये लगता है कि ये प्रॉब्लम छोटा सा है, हर चीज़ को लेके वीडियो बनाना, हर चीज़ को लेके कंप्लेन करना, हर चीज़ को लेके अखबार तक चले जाना, हर चीज़ को व्हाट्सएप पर दिखाना, ये गलत है। सबसे पहली हमारी दिमाग में आना चाहिए कि जितनी हमारे हक है उतने ही सारे हमारे फर्ज है। अगर हम हमारी ड्यूटीज ठीक से कर रहे हैं, ओनली देन वी हैव गॉट राइट टू आस्क अबाउट द राइट। सो अगर सोसाइटी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, अपार्टमेंट में दिक्कत है, तो मिलजुल के एक दूसरे से बात करके प्रेम से उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, रादर देन इमीडिएटली एक वीडियो बनाया और व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दिया। दिस नॉट ओनली क्रिएट्स अ बैड इम्पैक्ट फॉर द हेल्थ सिस्टम, फॉर द म्यूनसिपैलिटी, फॉर योर सोसाइटी, बट इट स्प्रेड्स पैनिक। ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह पर इरिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, जैसा कि एक्चुअली नहीं है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बिहेव मैच्योरली। ये समय है बिल्कुल दिमाग ठीक से सोच कर काम करने का, हर चीज़ का फोटोग्राफ लेके शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, शॉप्स खुलेगी, सब काम पे जाना शुरू होंगे, लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है। हाँ, हॉटस्पॉट में शायद ये लंबा अरसा अभी और हो सकता है, पर बाकी की जगह पर ये धीरे धीरे खुल रहा है, खुलने लगा है। व्हाट शुड वी टेक केयर ऑफ? इम्पोर्टेंटली वी शुड रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो टाइम लेकर जाइए। पहले ऐसा था, स्कूटर पार्क किया, फट से उतरे, फट से पैसे दिए, फट से चीज़ ले ली। डोंट एक्सपेक्ट दोज थिंग्स। जस्ट लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज, जो हमारे विदेशी देशों में जो हो रहा है कि आप जहाँ जाते हैं क्यू में खड़े रहते हैं, पार्किंग के लिए टाइम लगता है, लॉक करते हैं, फिर अपना मास्क पहनते हैं, फिर लाइन में खड़े होते हैं, क्यू में सब 6-6 feet के अंतर पर खड़े रहते हैं, और शॉप में एक ही आदमी दाखिल होता है।
ये सब चीज़ें अब करना है। और इसीलिए जब भी आप खरीदी के लिए जाते हैं, वो ग्रोसरी हो सकती है, वो घड़ी हो सकती है, कोई चीज़ रिपेयर कराना हो सकता है, मोबाइल का रिचार्ज करवाना हो सकता है, बैंक सर्विसेज हो सकती है, हर जगह पे एक्स्ट्रा 15 से 20 मिनट रखिए, धीरज रखिए, साथ में टाइम रखिए, ये रख के ही आप वहाँ जाइए। अदरवाइज जल्दी में आप करने गए तो या तो खुद आप संक्रमित हो सकते हैं या किसी और को संक्रमित कर सकते हैं। सो टुडेज इम्पॉर्टेंट मैसेज इज, आज से लेके अगले 6 महीने तक जब भी आप कहीं पर भी जाए, कोई सर्विसेज के लिए, सर्विस देने के लिए, सर्विस लेने के लिए, इनफ टाइम रखिए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, टॉलरेंस रखिए। ये सब चीज़ों की भारी ज़रूरत अगले दिनों में, अगले महीनों में होने वाली है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, छोटे बड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ सिस्टम में भी हो सकते हैं, और जैसे कि बताया अभी हमारे कमिश्नर साहब ने भी बताया है कि छोटी दिक्कतें आती है, हर दिक्कत को उजागर करने की, हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो चीज़ हेल्थ के लिए ख़राब है वो उनके नोटिफिकेशन में ला सकते हैं, पर हर चीज़ को व्हाट्सएप करके लोगों के ग्रुप में बांटने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इट सेंड्स ओनली पैनिक कि हमारी सिस्टम जैसे बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल है, जो नहीं है। लास्ट थिंग, सेव अवर सीनियर्स। ये चीज़ पिछले 1 महीने से हम कह रहे हैं, आज फिर से आपको बता रहे हैं, घर में जो भी सीनियर्स है अबाउ 60, आप लोग इन दिनों में देख रहे हैं, जो लोग 60 अबाउ है, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, जो कैंसर की ट्रीटमेंट पर है, लीवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, ऐसे लोगों में मोर्टैलिटी ज़्यादा है। ये एल वायरस है या एस वायरस है, उससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो वही प्रिकॉशन लेना है जो कि एल में भी लेना है और एस में भी लेना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेव अवर सीनियर्स। घर पे जाके हाथ साबुन से धोने के बाद ही सीनियर से मिलिए, उनकी मेंटल कंडीशन का ख्याल रखिए, गो ऑन रीअश्योरिंग देम, उनको ऑक्यूपाई रखिए, पर साथ में उनसे फिजिकल डिस्टेंस रखिए। तो आज के मेरे 3 इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नंबर 1, डोंट एक्सपेक्ट 100% फ्रॉम एवरीबडी एंड फ्रॉम एवरी सिस्टम। इफ़ इट इज़ ए माइनर प्रॉब्लम, इग्नोर इट। इफ इट्स ए मेजर प्रॉब्लम, जस्ट हाईलाइट इट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज रादर देन सेंडिंग इट टू मिलियंस। नंबर 2, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, वेन एवर यू गो आउट, टेक सम टाइम आउट, इनफ टाइम लेके जाइए। एंड नंबर 3, सेव अवर सीनियर्स। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार।